अप्रवासी महिला की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई। बड़हलगंज के सिद्धुआ पर गांव में बदमाशों ने सोमवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर अप्रवासी महिला पुष्पा देवी की गोलियों से भून कर हत्या कर दी। महिला के पति की मौत 4 साल पहले हार्ट अटैक से हो चुकी थी। पति का थाईलैंड में बिजनेस था जिसे अब उसकी पत्नी देख रही थी। दिल्ली स्थित थाई एम्बेसी में पासपोर्ट रिन्यूअल कराकर पुष्पा देवी सोमवार की सुबह ही बच्चों के साथ घर पहुंची थी। उसके कल 11 बजे नकाबपोश 3 बदमाश बाइक सवार से आए और पुष्पा को गोली मार कर हत्या करने के बाद फरार हो गए। बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। तीनों ने मास्क लगाया था। स्थानीय पुलिस हत्या के पीछे प्रथम दृष्टया वजह परिवार के बीच भूमि विवाद मान रही है। बड़हलगंज कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के हाईवे से सटे सिद्धुआपार गांव में सुबह 11 बजे बाइक सवार 3 बदमाश सुषमा यादव पत्नी स्वर्गीय दयानंद यादव के मकान पर पहुंचे। एक बदमाश बाइक स्टार्ट कर गेट पर खड़ा था। 2 बदमाश मकान के बंद गेट पर खड़े होकर खटखटाने लगे। गेट के अंदर से पुष्पा यादव ने पूछा, आप कौन है? बदमाशों ने कहा कि आप पहचान नहीं रही हैं। पुष्पा यादव ने कहा कि आपने मास्क लगा रखा है, पहचान में नहीं आ रहे हैं। इस बीच दोनों बदमाश गेट खोलकर अंदर आए और साथ में आए फल केला सेब लेकर घर में घुस गए। पुष्पा अभी कुछ समझती इसके पूर्व ही दोनों ने तमंचा निकाल लिया। पुष्पा ने बदमाशों को बाहर धकेलते हुए घर के अंदर भागने का प्रयास करने लगी। इसी बीच बदमाशों ने पुष्पा को लक्ष्य कर गोली चला दी। गोली उसके सिर के पीछे की तरफ लगी। गोली लगते ही वह फर्श पर औधे मुंह गिर गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुष्पा की छोटी बेटी प्रीति को भी बदमाशों ने मारने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर रही है और एसएसपी विपिन टांडा ने कहा कि केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में लगी है। जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। घटना की क्या वजह हो सकती है इसकी छानबीन